डाउनलोड करें ट्रैवल इंडिया टीवी ऐप। क्या आजसू अकेले चुनाव लड़ेगी या सीट बंटवारे को लेकर बनेगी बात? सिल्ली के बेटे को दिल्ली से मिलेगी सौगात या फिर होगी कोई और बात? झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी दलों ने अपने अपने सीट बंटवारे को लेकर लगभग सहमति से निर्णय ले लिया है। वहीं भाजपा और सहयोगी पार्टी आजसू के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी तक संशय बरकरार है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर वापस रांची आ गए हैं। इस बीच सुदेश महतो दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर अपनी बात रखी और सूची भी सौंप आए हैं। संभवतः एक दो दिन में भाजपा नेतृत्व सीट बंटवारे को लेकर अपना फैसला सुना सकती है। आजसू 26 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं भाजपा सीट में कटौती करना चाहती है जिसे आजसू नकार सकती है। अन्य राजनीतिक दलों की भी नजर आजसू और भाजपा के बीच पनप रही असंतोष के ऊपर भी जमी हुई है। दिल्ली से लौटने के बाद आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। कल मेरी और प्रभारी जी साथ सीट शेयरिंग को लेकर नेता सबकी बैठक थी, क्योंकि पूर्व में ही हमने अपने जो सूची थी चुनाव लड़ने का संगठन ने तैयारी किया, सूची भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को उपलब्ध करा दी। साथ ही कुछ इस प्रदेश के लिए कुछ संवैधानिक विषय भी थे जिन पर बातचीत करनी आवश्यक थी, करने थे, उन विषयों पर हमने अपनी बात रखी। चूँकि आज का दिन थोड़ा व्यस्त दिन है, बैठी में विचार करेंगे। किसी नतीजे पर पहुँचे कि नहीं आप लोग? नहीं, अभी कितनी देर और? अभी इन विषयों पर अभी निर्णय नहीं हुआ। सीट पर कितनी कल तक आप 27 मैंने जो भी दिया है वही है, जितनी उसी पर हम लोग ने बात की। इस बयान से आशंका यही जताई जा रही है कि भाजपा और आजसू के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है और सीट बंटवारों को लेकर आजसू को मना लेना आसान भी नहीं है, क्योंकि आजसू झारखंड में सरकार बनाने और स्थिर सरकार देने में अपनी अहम भूमिका और अपनी महत्व को बखूबी समझता आया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुदेश महतो युवा नेता हैं, वे कभी जोश में निर्णय नहीं लेते और अब की बार 2019 के विधानसभा चुनाव में तमाम आकलन कर चुके हैं। चुनाव को देखते हुए आजसू पार्टी में गंभीर मंथन भी चल रहा है। भाजपा अगर सीट बंटवारों को लेकर उचित निर्णय नहीं ले पाती है तो निश्चित ही आजसू की राह अलग हो जाएगी। ऐसे सूरत में 2019 विधानसभा चुनाव की तस्वीर बदल जाएगी। ये शांत उस तूफान की ओर इशारा करता है जब सारे समीकरण बिगड़ जाएगा। राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि भाजपा का ओवर कॉन्फिडेंस कहीं विरोधियों को मौका न दे दे। फिलहाल सबकी निगाहें दिल्ली की ओर है और तमाम कयासों के बीच उम्मीद यही जताई जा रही है कि सीट बंटवारों को लेकर सम्मानजनक निर्णय ले लिया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि सुदेश महतो को या कहें कि आजसू को नाराज करना भाजपा को कहीं लेने के देने न पड़ जाए, क्योंकि आजसू का तेवर जमीनी स्तर से की गई तैयारी को लेकर है, अपने क्षेत्र के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लेकर है। आजसू जिस उत्साह और उमंग और मेहनत से चुनाव की तैयारी की है वो कभी नहीं चाहेगा कि पार्टी के किसी भी नेता और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरे। राजनीतिक तापमान झारखंड में चरम पर है। देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली से क्या खबर आती है। ट्रैवल इंडिया टीवी के लिए रांची से मनोज शरण। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।